जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। साधना क्षेत्र में बहुत कुछ है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, सिद्धि है, सामग्री है, भाव है, भक्ति है, ज्ञान है, विधियां हैं, प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं, मार्ग है, सूत्र है, लेकिन क्या नहीं है वो एक चीज जो सबसे आवश्यक है इन सब में, उसकी आवश्यकता आपको तब भी पड़ेगी जब आप मार्ग के हिसाब से चलोगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप किसी पद्धति को अपना करके किसी एक मार्ग पर चलते हो तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है, और जब आप भक्ति भाव से बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी काम भावना के, बिना किसी लोभ या लालच के जब आप चलते हो तब भी आपको इस चीज की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं या तो ध्यान नहीं देते या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हम बंद गए हैं। मैं बात कर रहा हूं नियमों की। ये नियम क्या है आखिर, किसने बनाए हैं, हम इनका पालन क्यों करते हैं? बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो व्यक्ति के दिमाग में आते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कुछ लोग इन नियमों का बहुत कठोरता से पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सब चलता है। कहने का अर्थ ये है कि सुबह के बजाय अगर शाम को जाप कर लिया तो चलता है, काम की वजह से आज अगर हमने जाप छोड़ दिया या पूजा पाठ छोड़ तो भी चलता है, भगवान कौन सा बुरा मान जाएंगे? अरे भगवान तो आप पूजा पाठ नहीं करोगे तब भी बुरा नहीं मानेंगे, छोड़ दो परमानेंट छोड़ दोगे तब भी वो कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि हमारे धर्म में देवी देवता कभी भी बंधन नहीं देते किसी को। पूजा करना आप चुनते हो, इष्ट को आप चुनते हो, उनकी सेवा करना आप चुनते हो, और उसके बाद जब वो देवता आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाना आरंभ करते हैं तब आपके भाव बदल जाते हैं, आपका जो भाव है वो चलता है का हो जाता है कि चलता है, बाबा कौन सा आज के एक दिन में छोड़ के चले जाएंगे मेरे को। ये नियम बनाता कौन है? सबसे पहली बात तो ये है, गुरु बनाता है, देवी देवता बनाते हैं, कौन बनाता है ये नियम? कोई नहीं बनाता, पता है। वास्तविकता ये है कि नियम कभी भी देवी देवताओं ने नहीं दिए। मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में कि नियमों का आरंभ कैसे हुआ, नियमों का पालन कैसे आरंभ हुआ, और क्यों नियमों की इतना महत्व है नियमों का। अगर आप तंत्र विद्याओं में जाते हैं, यानी कि अगर आप एक मार्ग का चुनाव करके उस मार्ग में क्रियाओं के, यानी कि तंत्र में मुख्य रूप से तीन मार्ग हैं, अगर हम तीन तरीके के योगों की बात करें तो तीन मुख्य हैं उनमें से, जिसमें से कि प्रथम है क्रिया योग, उसके बाद आता है हठ योग, और दूसरा तीसरा है भक्ति योग। क्रिया योग या कर्म योग, ये वो योग होता है जिसमें कि व्यक्ति क्रियाओं के माध्यम से, प्रक्रियाओं के माध्यम से, कुछ विधियों के माध्यम से वो ईश्वर की आराधना करता है। ये क्रिया प्रधान मार्ग होता है। कर्मकांड आदि जो कार्य हैं वो इसी के अंदर आते हैं, वैदिक कर्मकांड, तांत्रिक क्रियाएं, प्रक्रियाएं, ये सब चीजें क्रिया योग में आती हैं। हठ योग में वो चीजें आती हैं जो व्यक्ति अड़के करता है, अड़के करने करते यहाँ भी होता है। ये हठ योग जो है, ये हठ योग मुख्य रूप से नाथ योगियों में प्रचलित है या अघोर पद्धति में प्रचलित है, जिसमें कि व्यक्ति एक खास मुद्रा में अपने शरीर को स्थिर करके उसके बाद वो देवता की आराधना करता है, एक खास मुद्रा में अपने आप को स्थिर करता है, एक खास आसन में अपने आप को स्थिर करता है और वर्षों तक उसमें आराधना करता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप खेचरी मुद्रा को देख सकते हैं। शिव पुराण में खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया है कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास व्यक्ति को अमर कर सकता है। वास्तविकता में खेचरी मुद्रा का अभ्यास व्यक्ति को अमर कर सकता है, लेकिन उसका
योग, उसका जो योग है, उसको जो प्रयोग है, वो इतना जटिल होता है कि व्यक्ति नहीं संभाल पाता उसको। और तीसरा जो योग है, तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग, भक्ति योग, जिसके अंदर की सारे नियम सब कुछ एक एक किनारे हो जाते हैं, उसमें केवल एक एक चीज बचती है, वो होता है भाव। व्यक्ति का भाव जितना प्रबल होगा, उसकी भक्ति जितनी प्रबल होगी, देवता का आशीर्वाद उतना ही अधिक होगा। परंतु ये नियम कौन बनाता है, इन मार्गों के नियम, अघोर पद्धति के नियम, अघोर पद्धति के जो नियम कह लीजिए, या फिर नाथ पंथ के जो नियम कह लीजिए, दक्षिण मार्ग के नियम, वाम मार्ग के नियम, ये नियम कौन बनाता है? ये नियम मुख्य रूप से उस मार्ग के प्रवर्तक बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अघोर मार्ग में जो सबसे प्रचलित मार्ग है तंत्र का, अघोर मार्ग में जो नियम निर्धारित हुए हैं, या फिर जिन नियमों पर अघोर चलता है, वो अघोर के नियम बाबा कीनाराम ने बनाए थे। निश्चित रूप से अघोरेश्वर भगवान के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था, और भगवान शिव के एक विशेष रूप अघोरेश्वर महादेव, अघोरेश्वर महादेव के उपासक होते हैं ये व्यक्ति, और उनके द्वारा भी कुछ नियम प्रतिपादित किए गए थे अघोर में, जिनमें से जो मुख्य नियम थे वो ये थे कि अघोर वो मार्ग है जो एक संभाव की परिस्थिति उत्पन्न करता है, यानी कि आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज के अंदर भेद नहीं करते। भेद ना करने का नियम जो है वो अघोर का है। उसके बाद बाबा कीनाराम अघोरी जी ने कुछ नियम निर्धारित किए, जिन नियमों को आज के समय में अघोर पंथ मानता है, क्योंकि अघोर मार्ग के प्रवर्तक जो है वो बाबा कीनाराम माने जाते हैं, जिनका आश्रम बनारस में स्थित है। अघोर पंथ के नियम बाबा कीनाराम जी ने बनाए थे। उसी तरीके से नाथ पंथों के नियम जो हैं, वो भगवान दत्तात्रेय से माने जाते हैं, क्योंकि दत्तात्रेय जी से ही, भगवान दत्तात्रेय से ही नाथ पंथ का आरंभ माना जाता है। दत्तात्रेय कौन थे? त्रिदेवों के सम्मिलित अंश थे, माता सती अनुसुईया के पुत्र और नारायण के अवतार, जिसके अंदर की ब्रह्मदेव और महादेव की शक्तियां सम्मिलित थी, जिनके अंश सम्मिलित थे। दत्तात्रेय भगवान के जो प्रथम शिष्य थे वो थे मत्स्येंद्रनाथ जी, और मत्स्येंद्रनाथ से नाथ पंथ का आरंभ जो है वो माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ से पहले दत्तात्रेय भगवान भी नाथ पंथ के वो गुरु माने जाते हैं, लेकिन उनसे नाथ पंथ आरंभ नहीं हुआ था। नाथ पंथ का आरंभ हुआ था भगवान मत्स्येंद्रनाथ से, जिनसे कि आगे चल करके फिर गोरखनाथ, कनिफनाथ आदि जो व्यक्ति हुए, जो नवनाथ जिन्हें कहा जाता है, नवनाथ और 84 सिद्ध जो इनके शिष्य थे, और इनके बाद में राजा भर्तृहरि और गोपीचंद महाराज, चलते चलते बालकनाथ, बाबुलनाथ आदि बहुत सारे सिद्ध योगी हुए इसके अंदर नाथ पंथ में। तो नाथ पंथ के नियम जो आज के समय पर पालन किए जाते हैं, कि कान छिदवाना पड़ेगा, कान आपको कन्फर्ट बनना पड़ेगा, या फिर अलग अलग पंथ हैं इसमें भी, नाथ पंथ में भी कई रूप हैं नाथों के, भगवान इसके अंदर भगवान के भोलेनाथ का, मतलब कि जो उनका मूल एक नाम है भोलेनाथ, उन स्वरूप की आराधना इसमें की जाती है। और नाथ पंथ के जो नियम थे वो नियम बनाए गए थे मत्स्येंद्रनाथ जी के द्वारा, जिनका पालन आज के समय में भी कोई भी व्यक्ति जो नाथ संप्रदाय से दीक्षित होता है, चाहे वो किसी भी मार्ग में हो, चाहे वो ग्रामीण तंत्र करता हो, चाहे वो उच्च कोटि साबरीय तंत्र करता हो, चाहे फिर वो व्यक्ति कुछ भी करता हो, साबर मंत्रों का निर्माण सभी जानते हैं कि गोरखनाथ जी से आरंभ हुआ था। गोरखनाथ जी ने साबर मंत्रों का प्राकट्य किया था, उनके द्वारा ही साबर मंत्र जो थे प्रचलन में आए थे। उससे पहले साबर मंत्रों का कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता था। आन देना, देवता को अपने अनुरूप चलाना, देवता को वचन लेना देवता से, ये सारी चीजें जो थी इसके बाद शुरू हुई थी, जिसके अंदर की गोरखनाथ जी जो थे वो मुख्य माने जाते हैं। और गोरखनाथ जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य थे। तो मत्स्येंद्रनाथ जी के द्वारा नाथ पंथ के नियम निर्धारित हुए। उसके बाद में अगर हम बात करें दक्षिण मार्ग की, दक्षिण मार्ग के जो प्रवर्तक थे, दक्षिण मार्ग, सबसे पहले आप समझिए कि दक्षिण मार्ग क्या है। वेदोक्त विद्याओं का, सात्विक विद्याओं का तांत्रोक्त विधियों के अनुसार रूपांतरण कर देना ही दक्षिण मार्ग है। और
इस मार्ग को, इस मार्ग में जो मूल विद्या है वो श्री विद्या है, यानी कि श्री विद्या की आराधना जो है इसमें की जाती है। इस मार्ग के जो प्रवर्तक थे, जिन्होंने दक्षिण मार्ग आरंभ किया था, वो महर्षि वशिष्ठ थे, जिनसे कि वशिष्ठ संहिता आरंभ हुई थी, जिन्होंने वशिष्ठ संहिता लिखी थी, और उसके बाद दक्षिण मार्ग जो था वो प्रतिपादित हुआ था। वाम मार्ग के जो प्रवर्तक थे वो उन्हें वो कानिफनाथ जी माने जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर पंचमाकारों का विशेष रूप से उनका महत्व दिया जाता है कि पंचमाकारों के बिना कोई भी साधना जो है सफल नहीं मानी जाती उसमें, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अलग अलग तंत्र मार्ग के, अलग अलग संप्रदायों के एक विशेष व्यक्ति थे, या प्रथम उन्हें कह लीजिए, प्रवर्तक कह लीजिए, जिनसे कि वो मार्ग आरंभ हुआ, जिन्होंने उस मार्ग के नियम निर्धारित किए, और उन नियमों का आज के समय में हम पालन करते हैं। समस्या ये होती है कि व्यक्ति आज के समय में नियमों को इतनी गंभीरता से नहीं लेता, उसके लिए एक मजाक है। अगर इन महात्माओं ने, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इन्होंने नियम को छोड़ दिया होता, अगर इन्होंने नियम को त्याग कर दिया होता, या इन्होंने नियमों की अवहेलना कर दी होती, तो आज के समय में हम इन मार्गों पे नहीं चल रहे होते, या फिर हम नहीं समझ पाते इनको। कहने का मेन मतलब ये है, जैसे कि दक्षिण मार्ग में भी हम कहते हैं कि दक्षिण मार्ग में नियमों का उतना महत्व नहीं है, परंतु दक्षिण मार्ग के भी कुछ नियम होते हैं, दक्षिण मार्ग पे चलने के भी कुछ नियम होते हैं। दक्षिण मार्ग सबसे सात्विक, सबसे शुद्ध, बिना पंचमकारों के, बिना किसी भोग के, बिना किसी बलि के, बिना किसी उल्टी सीधी चीज के दक्षिण मार्ग चलता है। और दक्षिण मार्ग के शक्तिशाली होने का मेन कारण जो है वो ये है कि ये वैदिक मंत्रों का रूपांतरण है। वैदिक मंत्र होने के कारण, वैदिक मंत्रों का तांत्रिक रूपांतरण होने के कारण इन मंत्रों की शक्ति असीम होती है। दूसरा, वैदिक मंत्रों को क्रियान्वित करने के लिए या वैदिक मंत्रों का उपयोग करने के लिए ना ही किसी विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, ना ही किसी विशेष प्रकार के नियम की आवश्यकता पड़ती है। वो मंत्र केवल भाव और श्रद्धा, इन दो चीजों पर चलते हैं। तीसरी चीज है धर्म। जैसे कि मैंने बोला कि दक्षिण मार्ग पर चलने के लिए यदि आप अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे, या विदुक्त मार्ग पर चलने के लिए आप अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे, तो ये मंत्र शक्तिहीन हो जाते हैं। इस मार्ग में देवता की कृपा आपके धर्म के ऊपर, आपके नियमों के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि इस मार्ग में देवी देवता गुलाम नहीं बनते। इस मार्ग में देवी देवता कोई वचन नहीं देते, ना ही आपसे कोई वचन मांगेंगे, ना ही आपसे कोई वचन देंगे। केवल और केवल जब तक आपका भाव शुद्ध है, जब तक आप धर्म के मार्ग पर हो, तब तक वो देवता आपके ऊपर अपना आशीर्वाद रखेंगे, ठीक है। तो हर व्यक्ति, चाहे वो कानिफनाथ जी हो, चाहे वो मत्स्येंद्रनाथ जी हो, चाहे वो वशिष्ठ मुनि हो, चाहे वो कोई भी हो, जब इन लोगों ने नियमों पर चल करके, नियमों का पालन करके अपनी साधनाओं को एक दिशा दी, अपने ज्ञान को एक दिशा दी, तो वो ज्ञान या फिर वो साधनाएं जो थी आने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन का माध्यम बन गई। तो नियमों का महत्व क्या होता है? हम आज के समय में बात करते हैं कि ये साधना आपको करनी है, इस साधना में ये मंत्र है, ये नियम है, आपको दक्षिणमुखी होकर के या उत्तरमुखी जो भी दिशा होकर के, इन वस्त्रों को धारण करके आपको ये करना पड़ेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो हर नियम हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। मैंने अगर कोई नियम अपने लिए बनाया है तो वो नियम मेरे लिए अगर कार्य कर रहे, तो जरूरी नहीं है कि वो नियम, अगर उस नियम पे आप चलोगे तो आपके लिए भी वो नियम कार्य करेगा। यही कारण है कि व्यक्ति को एक ही मंत्र में किसी को अनुभव होते हैं, किसी को अनुभव नहीं होते हैं, क्योंकि जिस मार्ग पर चल करके मैंने आराधना की है, जरूरी नहीं है कि आप भी उसी मार्ग पर चलोगे तो आपको मिलेगा। तंत्र के अंदर विभिन्न मार्गों का या फिर विभिन्न विधियों के होने का यही कारण है कि एक मार्ग किसी एक व्यक्ति के लिए होगा तो जरूरी नहीं है कि वही मार्ग हर व्यक्ति के लिए होगा। इतने सारे नियम, इतने सारे मार्ग प्रवर्तक हुए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मत्स्येंद्रनाथ जी जो थे वो वशिष्ठ ऋषि के नियम पालन करते, अगर वो तो वो यहाँ नहीं होते। आज के समय में उनकी वो पहचान नहीं होती। इन लोगों ने अपने नियम स्वयं बनाए थे, इन लोगों ने किसी के नियमों का पालन नहीं किया था, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि का जो प्रादुर्भाव था, वशिष्ठ ऋषि जो थे बहुत पहले, सबसे पहले
थे, सतयुग के ऋषि हैं, सतयुग में थे, ठीक है। अगर वशिष्ठ ऋषि के नियमों पर चलते ये सभी लोग जिनका मैंने नाम लिया, कानिफनाथ जी हुए, मच्छिंद्रनाथ जी हुए, तो ना हमें आज के डेट में नाथ पंथ देखने को मिलता, ना हमें अघोर पंथ देखने को मिलता। ये विविधता जो है, ये तंत्र मार्ग में ये जो विविधता है, ये विविधता इसीलिए है क्योंकि इन महापुरुषों ने अपने अपने नियमों का खुद उनको बनाया और खुद ही उनका पालन किया। रावण ने अपने आप अपने सर काट काट करके भगवान की आराधना की। किसी तंत्र में ऐसा सुनने को नहीं मिलता, किसी भी ग्रंथ में ऐसा सुनने को नहीं मिलता कि कोई नियम ऐसा नहीं है कि जिसमें यह बोला जाए कि आपको अपने शरीर के अंगों का बलिदान देना पड़ेगा। लेकिन रावण ने इन नियमों का पालन किया तो क्या उसे सिद्धि नहीं मिली? अगर उसने पहले से बनाए हुए नियमों का पालन नहीं किया करके अपने नियम बनाए और अपने नियमों का पालन किया तो क्या उसे साधना का फल नहीं मिला? क्या उसे तपस्या का फल नहीं मिला? मिला, लेकिन उसके उस फल में अहंकार की भावना थी, उसके उस तपस्या में, उसके उस ज्ञान में अहंकार की भावना थी जो उसके पतन का मेन कारण बनी। तो हम आज के समय में नियम बनाते हैं, मेरे मार्ग के नियम, जो मेरा मार्ग है दक्षिण मार्ग में जिस पे मैं चल रहा हूँ, मेरे इस मार्ग के जो नियम हैं ये मैंने खुद बनाए हैं। हालांकि मैं भी उन नियमों का पालन करता हूँ जिन नियमों को बनाया गया है पहले भी, लेकिन उसके अलावा कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनका पालन मैं खुद करता हूँ, जिनको मैंने खुद बनाए हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप पुराने दिए हुए नियमों का ही पालन करें, ज़रूरी ये है कि आप जिन भी नियमों को चुने उनका पालन करें। ये नियम जरूरी नहीं है कि साधना से ही संबंधित हो, ये नियम दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो आप सभी ने माता गांधारी का नाम सुना होगा, जो 100 कौरवों की माता थी। उन्होंने केवल अब एक नियम चुना, उन्होंने केवल एक नियम बनाया था कि मेरे पति यदि अंध हैं, अगर वो अंधे हैं तो मैं भी जीवन भर कुछ देखूंगी नहीं। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उसके बाद से हमें ना ही किसी तंत्र में या फिर ना ही किसी ग्रंथ में कोई ये उल्लेख मिलता है कि उन्होंने किसी की आराधना करी, किसी की साधना करी। उन्होंने केवल भगवान शिव की पूजा करी थी नियमित, और इस नियम पे वो आजीवन चली थी कि मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखूंगी। इसका परिणाम आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने केवल एक क्षण के लिए अपने नेत्रों से वो पट्टी हटाई थी, और जिस क्षण उन्होंने अपने नेत्रों से वो पट्टी हटाई उस समय दुर्योधन का शरीर वज्र हो गया था। वो तपस्या का फल था, वो नियमों का फल था। नियमों का मतलब केवल इतना नहीं होता कि अगर आपको बोला है कि आप इधर जाप बैठ के जाप करो तो आप उधर ही बैठ के जाप करो, आपको जाप जहां बैठ के करना है जाप करो, लेकिन जाप करो। मेन नियम ये नहीं है कि आपको यहां बैठ के जाप करना है, नियम ये है कि आपको जाप करना है। अगर मैंने आपको कहा है कि गुरु मंत्र की एक माला आपको नित्य करनी है, तो जरूरी नहीं है कि वो आप अपने मंदिर में बैठोगे तो ही करोगे। जरूरी ये है कि आप उस एक माला का जाप हर परिस्थिति में करोगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और यही कारण है कि मेरे वो शिष्य जो अपने नियमों का पालन करते हैं, अपने गुरु प्रदत्त नियमों का पालन करते हैं, उनका आज के समय में कोई तोड़ नहीं है। आज के समय में मेरे वो शिष्य दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। तो अब ये कैसे पता चले कि हमें क्या नियम बनाने हैं या क्या किन नियमों का पालन करना है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। एक दो व्यक्ति थे किसी गांव में, दो व्यक्ति थे वहां पर, एक पंडित था उनमें से और एक उसका मित्र था। हालांकि वो मित्र जो था वो काफी बेवकूफ प्रवृत्ति का था, उसके अंदर दिमाग नाम की चीज थी नहीं बिल्कुल भी। जहां पर वो पंडित जिस शिवलिंग पर जाकर के वहां पर उसकी पूजा करता था, वहीं पर वो व्यक्ति जो था दूसरा वाला उस शिवलिंग पर जाकर के थूक के चला आता था। पंडित पुजारी को बड़ा क्रोध आता था कि मैं यहाँ पे इसकी पूजा कर रहा हूँ और ये जाकर के उस पर थूक के चला आ रहा है। तो एक दिन समय ऐसा आया कि, लेकिन समस्या ये थी कि वो पुजारी जो था वो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर देता था अपनी पूजा पाठ को। जैसे कि अगर कभी बारिश ज़्यादा हो गई या फिर कोई समस्या आ गई तो उसकी प्राथमिकता वो उसकी पूजा नहीं थी, उसकी प्राथमिकता थी वो कार्य, क्योंकि उस कार्य से उसकी आजीविका चल रही थी। तो वो अपने नियमों को भंग करके जा करके वो कार्य कर लेता था। लेकिन उस व्यक्ति का जो वो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का कार्य था वो डेली जाता था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो वो जाता था, थूक के आ जाता था। एक समय ऐसा भी आया कि भगवान शिव प्रकट हुए उसके सामने, और भगवान शिव ने प्रकट होकर उससे बोला कि वर मांगो। तो वो व्यक्ति सबसे पहले तो वो अचंभित हुआ, उसको ये समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसने बोला कि वो पंडित जो है वो आपकी पूजा ज्यादा करता है, वो मेरे से ज्यादा आपकी पूजा करता है, उसी को वरदान दो। लेकिन नहीं, पहले तुम वरदान मांगो, वरदान उसको भी देंगे लेकिन पहले तुम मांगो। तो उसको कुछ समझ में आया नहीं आया, पता नहीं उसने मांगा क्या नहीं मांगा, भगवान ही जाने, मेरे को ठीक से याद नहीं है। लेकिन
जब वो पंडित जी के पास में गए भगवान शिव, तो उसने उससे पूछा कि प्रभु मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता था और वो आता था आपके ऊपर थूक के चला जाता था, आपका अपमान करता था, लेकिन आप पहले उसके पास गए। तो उन्होंने उससे यही बोला भगवान शिव ने कि वो जो भी करता था वो नियम से करता था, अगर वो थूकना भी थूकता भी था तो वो नियम था उसका, वो डेली करता था, व्यक्ति वो थूकता नहीं था। थूक को तुम अशुद्ध मानते हो, थूक जो है वो व्यक्ति के जीवन का आधार है। यदि व्यक्ति के मुंह के अंदर थूक बनना बंद हो जाए तो वो उसकी सारी की सारी पाचन क्रिया नष्ट हो जाएगी, वो पाचन क्रिया समाप्त हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगा एक तरीके से। वो कोई अशुद्ध चीज नहीं है, वो थूक करके एक प्रकार से मेरा अभिषेक करता था। लेकिन तुम जो थे अपने कार्य के चक्कर में पड़ के कभी चले जाते थे, कभी तुमने नियम तोड़े, कभी कुछ करे। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिला उसको, फल मिला उसका, लेकिन जो फल उसको कुछ समय के पहले मिल जाना चाहिए था, यानी कि जिस फल को प्राप्त करने में उसको समय कम लगना चाहिए था, उसको प्राप्त करने में उसको समय अधिक लगा। यदि हम आज के समय में नियमों की अवहेलना करेंगे तो संभवतः हमें सिद्धि मिल जाए, संभवतः हमारी साधना सफल हो जाए, परंतु जो साधना हमारी पांच दिन के अंदर सफल होने वाली होगी, वो साधना को सफल होने में 50 दिन लग जाएंगे। इसीलिए हर मार्ग में चाहे वो अघोर मार्ग हो, चाहे वो दक्षिण मार्ग हो, चाहे वो वाम मार्ग हो, चाहे वो शाक्त मार्ग, शाक्त संप्रदायों का मार्ग हो, चाहे वो वैष्णव तंत्र का मार्ग हो, चाहे हमारे तंत्र ग्रंथ हो, चाहे हमारे वैदिक मंत्र हो, चाहे हमारे पुराणिक ग्रंथ हो, सबके अंदर एक चीज का बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और वो है नियम। यदि आपको सफल होना है तो आपको नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, आप नियमों से छूट नहीं सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं आज पूजा कर ली, कल ठीक है, अब 4 दिन बाद पूजा कर लूंगा, भगवान कौन सा बुरा मानने के लिए। देखिए, आप साधना को, तंत्र को अपने अपनी हॉबी मत बनाइए। मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग की भक्ति इसलिए करते हैं ताकि आप कूल लगें, आपको लोग बोलें कि नहीं ये तो देखो कितना भक्त है, ये तो पूजा करता है, पाठ करता है, आप मत करिए, कोई फायदा नहीं उसका। आप अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं और देवता का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप एक ही नियम बनाइए कि मैं सुबह उठूंगा, मैं पूजा पाठ करूंगा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, बस। और कोई नियम, किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। ये नियम भी आपको सफलता दिला सकता है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि इसके नियम क्या है, इसका विधान क्या है, कैसे करें। 7 लाख मंत्र जाप का नियम किसने बनाया था, किसी को पता है? आप में से बहुत सारे लोग 7 लाख मंत्र जाप करते हैं, आप में से यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र साधनाएं जब देते हैं तो कहते हैं 7 लाख जाप करो, 7 लाख जाप करो। ये 7 लाख का नियम किसने शुरू किया, किसी को पता है? ये नियम एक ऐसे व्यक्ति ने शुरू किया था जिसने 7 लाख मंत्र जाप पे सिद्धि प्राप्त कर ली थी। अभी वो व्यक्ति कौन थे मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, जितना अनुभव मेरा तंत्र में है, कि किसी व्यक्ति ने 7 लाख मंत्र जाप किए होंगे, उसको उससे सफलता मिल गई होगी, तो उसने ये बात प्रचलित कर दी कि 7 लाख मंत्र जाप पे सिद्धि मिल जाती है। लेकिन समस्या ये है कि आज के समय में किसी को 7 लाख जाप पे सिद्धि नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो नियम उस व्यक्ति के लिए लागू होता है वो नियम सबके लिए नहीं है ना। नियम ये होता है कि आपका मन जितना लगे, आपका ध्यान जितना लगे, केवल उतना जाप करो। मैं आज के समय में जो साधना व्यक्ति को करवाता हूँ, या फिर कोई भी जाप जब मैं अपने शिष्य को या फिर किसी को भी करवाता हूँ, तो मैं उसमें संख्या का उतना महत्व नहीं रखता। मैं उसके अंदर महत्व देता हूँ समय को। समय यानी कि आप भले एक माला जाप करें, लेकिन उस एक माला के जाप में आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है उस मंत्र के अक्षरों पर होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी आज, क्योंकि ये छोटा मोटा विषय नहीं है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा विषय है और आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे ना तो आप अपना समय व्यर्थ करते रह जाओगे, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप लोग केवल वहीं 7 लाख के जाप के चक्कर में पड़े रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। नियम, जैसा कि मैंने बोला, नियम आपसे बनते हैं।
आप नियमों से मत बनिए, ठीक है? नियम आपके लिए बनाए गए हैं, यानी कि अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको जीवन में ही ना केवल साधना क्षेत्र में, अगर आपको भौतिक जीवन में भी सफलता चाहिए, तो आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। और आप लोग ध्यान नहीं देते हो, लेकिन आप चाहे अनचाहे नियमों का पालन करते ही हो। और अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपको समस्या हो जाती है। उदाहरण के रूप में, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, उस कंपनी में आपका समय है 10 बजे का पहुंचने का, कि अगर आपको उस कंपनी में 10 बजे सुबह पहुंचना है, और अगर आप 10 बजे से पहले पहुंच जाते तो आपकी प्रशंसा होगी, यानी कि आपको अपने नियम को पालन करने का पुरस्कार मिला। लेकिन अगर आप 11 बजे जा रहे हो, 11:30 बजे जा रहे हो, 10:30 बजे जा रहे हो, तो एक समय तक तो आपका बॉस आपको देखेगा कि चलो ठीक है, देखते हैं सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा। लेकिन अगर आपकी ये आदत बन जाएगी, अगर आप इसी चीज़ को फॉलो करने लग जाओगे, अगर आपका ये डेली रूटीन में ये आपकी आदत बन जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बॉस बोलेगा कि भैया तुम निकल लो, जब तुमको टाइम की वैल्यू नहीं है तो तुम निकल लो। आप चाहे ना चाहे, यहाँ पर इसको ऐसे समझिए कि आप एक साधक हैं, आपका समय आपका मंत्र है, और आपका बॉस जो है आपका देवता है, ठीक है? अगर आप नियमों का पालन करोगे तो आपका जो देवता है वो आपसे प्रसन्न रहेगा, और अगर आप नियमों की अवहेलना करोगे तो आपका आपका देवता एक समय तक तो आपको संभालेगा, देखेगा कि सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है। अगर नहीं सुधरेगा तो देवता बोल देंगे कि भैया तुम रहने दो, तुम्हारे बस की ना है, तुमसे ना हो पाएगा। हम हमारे हमारा नियम है कि हमें रात को सोना पड़ेगा, यानी कि जब हमारे शरीर का एक नियम है कि रात्रि काल जब आता है तो हमें सोना पड़ेगा, हम नहीं जगे रह सकते। लेकिन क्या होगा अगर आप जगना शुरू कर दो रात को? तो अगर आप रात को जगोगे तो एक दिन ठीक रहेगा, दो दिन ठीक रहेगा, लेकिन तीसरे दिन आपको जो है नींद आने लग जाएगी दिन में, और आपका जो दिन का समय था वो व्यर्थ हो जाएगा सोने में। रात को फिर उल्लू की तरह जागोगे, आपका दिन भी खराब, आपकी रात भी खराब, आप किसी काम के नहीं रहोगे, क्योंकि रात को आप वैसे ही कुछ नहीं कर पाओगे और दिन में आप सोते रहोगे, दिन भी खराब। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम नियमों का पालन केवल साधनाओं के अंदर, इनका महत्व है। नियमों का महत्व हर जगह है, अनुशासन का महत्व हर जगह है, और दक्षिण मार्ग के अंदर एक जो चीज़ है वो सबसे बड़ी ये है कि इसमें नियमों को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना अधिक महत्व भाव को दिया जाता है। लेकिन भाव भी तो एक प्रकार का नियम है, नहीं समझाता हूँ। मैं एक भक्ति भाव से देवता की आराधना कर रहा हूँ, ठीक है? मैं उदाहरण रूप में बाबा कपाल भैरव ले लीजिए, मैं बाबा कपाल भैरव की आराधना पूर्ण भक्ति भाव से कर रहा हूँ। मैं किसी नियम को नहीं मानता, मैं किसी नियम का पालन नहीं करता, मैं ना दिया जलाता हूँ, ना मैं माला जाप करता हूँ, ना मैं कुछ भी करता हूँ। लेकिन मेरा एक नियम है कि मैं उठूंगा तो मैं चाहे खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं जाके बाबा की मूर्ति के पास बैठूंगा, आधा घंटा उनको मूर्ति से ना समझ करके उनको मैं देवता समझूंगा, उनको मैं इंसान समझूंगा, उनसे बैठ करके बात करूंगा कि महाराज खाना भी ना खाया, नहीं खाया, खाना दिया बीवी ने, नहीं दिया, कपड़े बदले कि नहीं पहने, नहाए धोए कि नहीं नहाए धोए। भले को लोग पागल समझेंगे, लेकिन ये मेरा भाव है कि मैं उस पत्थर की मूर्ति को पत्थर की मूर्ति ना समझ करके उसे वास्तविक इंसान समझ करके उससे बात कर रहा हूँ। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो देवता मेरे सामने से बैठ करके बात करने भी लग जाएंगे, वो मूर्ति बोलने लग जाएगी। ये मेरा भाव है, लेकिन मेरे को उस परिस्थिति में जाने के लिए अपने इस भाव को बना करके रखना पड़ेगा। इस भाव के अंदर जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, इस भाव के अंदर जरा सा भी ऐसी कोई भावना नहीं आनी चाहिए जो जो मेरे इस भाव को बदल दे। जैसे जैसे वो भाव बदलता जाएगा, देवता का विश्वास कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग चाहे किताबों में लिखे हुए नियमों का पालन करिए, या फिर आप चाहे अपने नियम खुद बना करके उनका पालन करिए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप नियमों का पालन करिए। जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई आपको कोई बोले कि आपको डेली सुबह उठ करके 11 माला जाप करनी है तो आप डेली सुबह उठ करके 11 माला पर लेकर बैठ जाओ, भले आपका मन लगे या ना लगे उस चीज में। महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे उन नियमों को मानते हैं। तंत्र, साधना, भक्ति भाव,
ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के बस की बात नहीं है जो इसको अपने केवल आत्मसंतुष्टि के लिए या फिर ऐसे करता है कि चलो आज हमें समय है आज हमारे पास में, चलो आज भैरव मंदिर घूम के आते हैं, चलो आज हम लोग जा करके, हमारे पास में 3 दिन की छुट्टी हमको मिली है, चलो हम जा करके वाराणसी घूम के आते हैं, बनारस घूम के आते हैं, दर्शन करके आते हैं। ये भक्ति नहीं है। आप भगवान के लिए तब समय निकाल रहे हो जब आपके पास में बाकी सारी चीज़ों से हट करके समय बचता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको प्राथमिकता अपने ईश्वर को देनी चाहिए। मेरी जॉब के अंदर दिक्कत आ गई थी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपना अनुभव कि मेरी जॉब के अंदर बहुत प्रॉब्लम आई थी जब मैं जॉब करता था। वो प्रॉब्लम क्यों आई थी? वो प्रॉब्लम इसलिए आई थी क्योंकि मेरा ना एक नियम था। वो नियम ये था कि अगर किसी व्यक्ति को मेरी आवश्यकता है, अगर वो व्यक्ति मुझ तक नहीं पहुंच पाता तो मैं उस तक पहुंचूं, मैं उस तक जाऊं। ये मेरा नियम था। अजीब होता है, मैंने बोला ना कि अपने अपने नियम होते हैं। तो मेरा ये था जिसकी वजह से मैं अपने ऑफिस में कभी 2 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, कभी 4 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, किसी के पास जा रहा हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि जिन लोगों के पास मैं उस समय अपनी जॉब छोड़ छोड़ करके गया था, जिस समय मैं उस समय पे जब मैं अपने जॉब को रिस्क करके, जब मैं अपनी अपनी आमदनी को मैं रिस्क में डाल करके उन लोगों के लिए गया था जो निठल्ले घर पे बैठे रहते थे, आज के समय में वो लोग पूछने को भी नहीं आते। लेकिन वहीं एक नियम था जिसकी वजह से आज धनंजय तिवारी पूछा जाता है और उन लोगों को कोई पूछता नहीं है। कहाँ हैं वो लोग? बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे मेरे साथ में कि पहले बहुत सारे लोग हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में वो लोग कहाँ हैं? चलो ठीक है, मेरे को छोड़ के गए, लेकिन कहाँ हैं? किसी को पता है? नहीं पता। गुमनाम से हो चुके हैं। कारण? कारण की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। कारण एक ही पर्याप्त है कि उन लोगों ने अपने नियमों का पालन नहीं किया। मेरे शिष्य बहुत सारे लोग कहते हैं, उन जो छोड़ के गए थे उनमें से बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि गुरुजी गलत हो गए थे, गुरुजी ने बहुत गलत काम करे इसलिए हम गुरुजी को छोड़ करके चले गए। ऐसा है कि देखो, गलती इंसान से होती है, ठीक है। मेरे उन शिष्यों में जो एक समय पर दावा करते थे कि हम जिएंगे तो तिवारी जी के साथ जिएंगे, मरेंगे तो तिवारी जी के साथ मरेंगे, हमें इनके साथ में दफनाया जाएगा, वो लोग आज के समय में कभी हालचाल भी नहीं पूछने आते कि कहाँ हैं। लोग कहते थे कि हम कर्ण की तरह साथ रहेंगे आपके, हम कर्ण हैं आपके लिए, अगर आप दुर्योधन हो तो हम आपके कर्ण हैं। कहाँ है वो कर्ण आज की डेट में? कितने महीने हुए उस कर्ण को मेरा हालचाल लिए हुए कि अजय तिवारी जी क्या हालचाल है? कोई नहीं आता। उन शिष्यों में और मेरे वो शिष्य जो आज मेरे साथ हैं, इनमें एक ही फर्क है। वो लोग तब तक तिवारी जी के साथ रहे थे जब तक तिवारी जी सही थे। जहाँ तिवारी जी से गलती हुई उन्होंने उनकी गलती को सुधारने का कोई उपाय नहीं ढूंढा। उनको ये नहीं लगा कि हमें अगर ये भटक रहे हैं तो हमें इन्हें मार्ग दिखाना चाहिए। अपना अपना किनारा देखा, अपना अपना फायदा देखा और निकल लिए सारे एक एक करके। लेकिन जो शिष्य मेरे आज के डेट में मेरे साथ हैं, मुझे गर्व है उनके ऊपर। नाम नहीं लूंगा मैं किसी का यहाँ पर, अपने किसी भी शिष्य का यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा, कौन है कौन नहीं है। बहुत बार नाम ले चुका हूँ, नाम किसी का नहीं लूंगा। लेकिन मेरे वो शिष्य जो आज के समय में मेरे साथ हैं, मैं जब गलत होता हूँ, जब मेरे से कोई गलती होती है या फिर उनको लगता है कि मैं किसी जगह पे गलत हो रहा हूँ, वो भाई साहब वो रात रात भर लड़ते हैं मेरे से। वो रात रात भर मेरे से लड़ेंगे, मेरे को गाली भी दे देते हैं कभी कभी। हालांकि गुरु को गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर बोला भाव का खेल है। भाव भाव से सबसे भाव से बड़ा दक्षिण मार्ग में भाव से बड़ा कुछ नहीं है। जब मेरे से कोई गलती होती है तो उनके लिए गुरु शिष्य का भाव खत्म हो जाता है, फिर उनके लिए दोस्ती यारी का भाव आ जाता है, भाईचारे का भाव आ जाता है। वो गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं, भाई साहब मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। एक शिष्य मेरा आज की डेट में भी बैठ करके तेल में डंडे में तेल पिला रहा है कि भाई साहब जब गुरु जी आएंगे तो मैं भी पीटूंगा उनको पकड़ के। लेकिन वो भाव है। जब भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा के भाव के कारण उनकी लाठी से पिट सकते हैं तो हम भी पिट सकते हैं। हम इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ हमने यही सीखा है अपने देवताओं से। ये फर्क होता है वास्तविकता में ये फर्क होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कल को वो शिष्य मेरे साथ में नहीं भी रहेंगे ना, तो वो जहाँ रहेंगे वो मार्गदर्शन ही करेंगे लोगों का, वो लोगों को सही रास्ता ही दिखाएंगे। जो व्यक्ति अपने गुरु को सही करने की हिम्मत रखता है ना, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जो व्यक्ति अपने गुरु को ये बोलने की हिम्मत रखे, अगर गुरु गलत करे तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका शिष्य उसको बोले कि नहीं गुरु जी आप तो जो कर दोगे वहीं पत्थर की लकीर है।
शिष्य वो होता है जो गोरखनाथ की तरह, जब मत्स्येंद्रनाथ जी से कोई गलती हुई थी तब गोरखनाथ जी ने उनको भड़का दिया था, वो शिष्य होता है, वो शिष्य का भाव होता है। मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरे शिष्य को लगता है कि मेरे को बुरा लगता है इन चीजों का, उनको लगता है कि मुंह फुला के बैठ गए गुरु जी, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। कम से कम बोलते ना कि एक बेवकूफ दोस्त से अच्छा समझदार दुश्मन होता है, वही वाली बात है। तो नियमों का पालन इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अब आपको अपने एक शिष्य का उदाहरण दूंगा। यहाँ पर जब शिष्यों की बात हो ही गई, तो मेरे शिष्य को कल एक भाव आया, उसको एक विचार आया कि तुझे इस साधना को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। वो शिष्य मेरा बेचारा सुबह 11 बजे से लेकर के अभी 12:30 हो गए हैं, वो बेचारा जाप ही कर रहा है सुबह से। उसने ये उसको किसी ने बोल दिया कि तेरे को ये साधना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी करनी है। भाई साहब, सुबह से वो बंदा बैठा हुआ है, 10 बजे मेरी उससे बात हुई थी, सुबह से बंदा बैठा हुआ अभी तक जाप ही कर रहा है। उसको पता भी नहीं है कि किसने बोला है, क्या बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज वो कर रहा है, जिस नियम का पालन वो कर रहा है, वो नियम उसको इतनी सफलता दिला देगा जीवन में, ना केवल साधना क्षेत्र में बल्कि जीवन में भी, भौतिक जीवन में भी, कि वो जानेगा, वो समझेगा इन चीजों को। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप लोग ग्रंथों में दिए हुए नियमों का पालन करो, आपके लिए आवश्यक ये है कि आप नियमों का पालन करो, चाहे फिर वो नियम आप बनाओ, ग्रंथों से लो, पुराणों से लो, कहीं से भी लो, या आपके गुरु नियम। और अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किन नियमों का पालन करें और किन नियमों का पालन ना करें, तो आप के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप किसी गुरु को धारण करिए और गुरु द्वारा दिए गए नियमों का पालन करिए। ये सबसे आवश्यक है आपके लिए। ये बातें जो है ना, ये बातें जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए तंत्र या साधना एक टाइम पास है। ये बातें उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए तंत्र उनका सब कुछ है, जिन लोगों के लिए साधना है उनकी सब कुछ है। तो अगर आप लोग साधना मार्ग में सीरियस हैं, अगर आप लोग तंत्र मार्ग को लेकर के वाकई में आप लोग उसके अंदर रुचि रखते हैं और आपके लिए वो एक मार्ग ऐसा है जिस मार्ग के बिना आप लोग ना रह सकते हो, ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, तो ये आपके लिए ये बातें हैं। और भले को थोड़ा सा समय लग गया, वीडियो लंबी हो गई है वो पता है, लेकिन आपके काम की वीडियो है। अगर आप सुनोगे तो आपको सीखने को इससे बहुत कुछ मिलेगा, आपको समझने को इससे बहुत कुछ मिलेगा। और अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि प्रश्न कोई बाकी रहा होगा नियमों से संबंधित, फिर भी अगर कोई प्रश्न आप लोगों का होगा तो आप लोग यहाँ पर पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जवाब देने की। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल सभी लोगों को।